इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर के बगरू से, जहां पर चार युवक खोद में डूबने से उनकी मौत हो गई। जयपुर के बगरू से इस वक्त की बड़ी खबर है। जयपुर के बगरू से पानी के खोद में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस तुरंत वहां पर मौके पर पहुंची है। नयावास सरादना की ढाणी की यह घटना है, वो बताई जा रही है। बगरू थाना इलाके के कोदर गांव की ये घटना है। जयपुर के बगरू से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें चार युवक पानी के होद में डूबने से चार युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद में तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है और नयावास सरादना की ढाणी की ये घटना बताई जा रही है। बगरू थाना इलाके के कोदर गांव की ये घटना है। पानी की होद में डूबने से चार युवकों की मौत हो चुकी है। वहां पर तुरंत पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, तुरंत पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। नयावास सरादना की ढाणी की ये घटना बताई जा रही है। बगरू थाना इलाके के कोदर गांव की ये घटना है। जयपुर के बगरू से बड़ी खबर है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर जहां ये घटना घटित हुई है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पानी के होद में डूबने से चार युवकों की मौत हो चुकी है और सूचना मिलने के बाद में पुलिस तुरंत मौके पर वहां पर पहुंची है। आखिर कैसे वो चार युवक डूबे हैं, क्या कारण रहा है उनके चार युवक के डूबने का, वो फिलहाल पुलिस अभी लगातार तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि जयपुर के बगरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चार युवक जो पानी का होता है उसमें डूबने से उन युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद में तुरंत जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तुरंत वहां पर मौके पर पहुंची और नयावास सरादना की ढाणी की यह घटना बताई जा रही है। बगरू थाना इलाके के कोदर गांव की यह घटना है। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पूनन पर जुड़ चुके हैं अरविंद्र। रविंद्र, बताएं कि आखिर वहां पर जो चार युवक थे वो होद में किस तरह डूबे, क्या कारण रहा है? देखिए रौनक, मैं बता दूं कि ये करीब ये सुबह की जो घटना है, यहाँ पर जो चार बालक हैं, इसमें एक ही परिवार के हैं, जो कि सिरसी गांव का एक इसमें एक बालक है। सभी लोग यहाँ पर जो कोवर जो गांव है वहां पर ये लोग आए थे उस कोदर गांव के अंदर, क्योंकि परिवार को भी इनकी जानकारी नहीं थी। लेकिन जब चूंकि ये गहराई में जाने के बाद जो होद में जब नहाने के लिए कूदे तो अचानक से ये गहराई में चले गए और उनकी उसमें डूबने से इनकी मौत हो गई। लाल पूरा घटनाक्रम का यहाँ पर काफी देर से 2 घंटे बाद जब लोग यहाँ पर आए तो उनको पता चला कि इसकी जो शव था वो उसके अंदर तैर रहा था। उसके बाद यहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने जब यहाँ पर सूचना दी उसके बाद जब बगरू थाना पुलिस मौके पर आई और उन्होंने इनके शवों को होद के अंदर से बाहर निकाला, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचाया तब तक इनकी जो मौत थी वो इन चारों बच्चों की मौत हो गई थी। रौनक, मैं आपको बता दूं कि इसमें से 3 जो बच्चे हैं वो एक ही परिवार के हैं और इसमें एक जो बालक है वो सिटी गांव का है। नयावास सरादना जो की ढाणी पड़ती है बगरू इलाके के अंदर, वहां के जो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे वहां के बताए जा रहे हैं। लाल यहां पर जो पुलिस की टीम पहुंची और उन्होंने शव को यहां पर अस्पताल में रखवा दिया है और तमाम जो परिजनों को वहां पर सूचना दी है और यहां पर जो सभी बच्चे हैं उनका यहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सर्वेंद्र, बात की जाए तो 4 जो बच्चे हैं वो उनकी उम्र कितने से कितने साल तक की है? देखिए तो जो बच्चे हैं उनकी उम्र करीब 13 से 16 साल के बीच में बच्चों की उम्र बताई जा रही है। लेकिन ये सारी चीजें जांच का विषय है कि बच्चे क्या परिवार को बता करके यहाँ पर आए थे या उनकी अनुपस्थिति में यहाँ पर आए थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि चारों बच्चों का एक साथ डूबना अपने आप में एक बड़े सवाली निशान खड़ा कर रहा है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम थे और अगर वो बच्चे वहां पर कूदे थे तो वहां पर उनको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की या की, ये सब तमाम जो चीजें हैं इन सब पहलुओं को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस है जांच पड़ताल में गई है। लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि एक ही परिवार के तीन बच्चे हैं। चूंकि आसपास का गांव पड़ता है पूरा, चूंकि नयावास आराधना की ढाणी है, इसके अलावा सिरची जो गांव है, दोनों गांव आसपास पड़ते हैं। चारों बच्चे एक साथ आए थे यहां पर। इन तमाम चीजों को लेकर के फिलहाल यहां पर जो पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। रविंद्र, बात की जाए तो जो वहां पर होद बना हुआ है उसके क्या चारों तरफ सुरक्षा के कोई इंतजाम किए हुए हैं या फिर नहीं किए हुए? बिल्कुल रौनक, यही तमाम चीजों को लेकर के जांच पड़ताल अब की जाएगी, क्योंकि वहां पर अगर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर किए हुए थे लेकिन बच्चे उस हौद के अंदर कैसे घुस गए
और वहां पर उनको किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें जांच का विषय है। इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो जांच पड़ताल जुटेगी, लेकिन पूरे गांव के अंदर गमगीन का माहौल है, क्योंकि एक बड़ा मामला सामने हुआ है। तीनों बच्चों की मौत होना, चारों बच्चों की मौत होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, साथ में प्रशासन के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़ा कर रही है। इसके अलावा वहाँ जो आसपास का जो इलाका है उसके ऊपर भी एक यहाँ पर सवाल निशान लग रहा है कि इतना बड़ा जो हौद बनाया हुआ था वहां पर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इन सब पहलुओं को लेकर पहलुओं पर यहाँ पर जो पुलिस की टीम है जांच पड़ताल करेगी, लेकिन पूरे गांव में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हर घर के अंदर यहाँ पर जो चूल्हा था वो नहीं चल रहा है, क्योंकि बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, चार बच्चों की मौत होना अपने आप में बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहा है। जी अरविंद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा के अंदर बड़ी चूक की गई है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर जो होद बना हुआ है उसके आसपास सुरक्षा को लेकर के कुछ भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसको लेकर लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है कि आखिर वो बच्चे वहां पर पहुंचे कैसे, और अगर पहुंचे तो वहां पर किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की।